प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खेक्सा की रसेदार सब्जी बनाना बताएंगे, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो हमने 500 ग्राम खेक्सा ले लिया है, 1 चम्मच धनिया है, 2 छोटी इलायची, 1/4 चम्मच जायफल है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 8-10 दाने काली गोल मिर्च है, ये पीपली है, इसे पीपली बोलते हैं, 1/2 चम्मच जीरा है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 3-4 लौंग ले लिए हैं, ये स्टार फूल है, ये देखिए, थोड़ा दालचीनी है, थोड़ा जावित्री ले लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, इन मसालों को पीस लेंगे, चुटकी भर हींग डालेंगे, 3 मीडियम साइज टमाटर ले लिए हैं, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 2 बड़ी साइज प्याज हमने बारीक काट लिया है, 5-6 कलियां लहसुन महीन काट लिए हैं, 2 हरी मिर्च काट लिए हैं, थोड़ा तेज पत्ता ले लिए हैं, उबला हुआ आलू को इस तरीके हमने पीस में काट लिया है। तो आइए खेक्सा की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खेक्सा के दोनों किनारों का हिस्सा काट देते हैं, ये देखिए इस तरीके काट देते हैं, अब पतले पीस में काट लेंगे। इसे बहुत ही सावधानी से काटना है, इसलिए कि काफी कड़ा रहता है, अंदर का भाग इस तरीके रहता है, ये देखिए इसमें काफी बीज रहता है, तो आराम से काटिए, नहीं पता चले कि आपके हाथ में चाकू लग जाए। तो हम इस तरीके पतले पीस में काट लेते हैं। इसे हमारे यूपी में खेक्सा बोलते हैं, कहीं कहीं ककोरा बोलते हैं, जंगली करेला भी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। ये हमने सभी खेक्सा काट लिया है, अब मसाले पीस लेते हैं। मसाले हम सिलबट्टे में पीसेंगे, आप मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं, मगर सिलबट्टे का स्वाद ही अलग रहता है। थोड़ा पानी डालेंगे और इसे महीन पीस लेते हैं। पुराने जमाने में लोग सिलबट्टे का प्रयोग करते थे, मगर इस समय मिक्सी जार का प्रयोग करते हैं। मिक्सी जार में जल्दी भी पीस जाता है, आराम भी रहता है, मेहनत भी कम लगती है, तो इसलिए मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके यहाँ सिलबट्टा हो तो एक बार मसाला पीस कर इस तरीके रेसिपी बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। मसाला अच्छी तरीके हमने पीस लिया है, ये देखिए महीन हो गया है, अब इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। सिलबट्टे में थोड़ा पानी डालेंगे, इसको भी अच्छे से धुल लेते हैं और इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। मसाला पीस के तैयार हो गया है, आइए अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई बढ़िया से गर्म हो चुकी है, 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, तेल भी बढ़िया से गर्म हो चुका है, कटी हुई प्याज डाल देते हैं, प्याज को थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं, इसमें का कच्चापन खत्म हो जाएगा, तभी हम लहसुन और मिर्च डालेंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे, कच्चापन खत्म हो गया है, लहसुन और मिर्च डाल देते हैं, अब इनको भी बढ़िया से भून लेते हैं। प्याज लहसुन और मिर्च हल्का से ही रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, इसमें कच्चापन खत्म हो जाए तभी तक हम रोस्ट करेंगे। कच्चापन खत्म हो गया है, अब कटा हुआ खेक्सा डाल देते हैं। खेक्सा को हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, इस समय खेक्सा का सीजन चल रहा है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर बनाइए। खेक्सा में बहुत से विटामिन पाए जाते हैं और सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, नमक डालने से खेक्सा जल्दी पक जाएगा। अच्छे से मिला देते हैं। खेक्सा 3 मिनट तक हमने भून लिया है, ये देखिए कलर चेंज हो गया है, अच्छे से पक भी गया है। खेक्सा की रेसिपी आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, ये देखिए बढ़िया से पक गया है, मगर हम रसेदार बनाएंगे तो देखते रहिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक। अब इसे हम थाली में निकाल लेंगे। ये हमने थाली में निकाल लिया है, आइए अब आगे के प्रोसेस में चलते हैं। वही कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, उबला हुआ आलू डाल देते हैं, हाई फ्लेम में इसे भून लेते हैं। आलू का जो बड़ा साइज है हम कलछुल से इस तरीके फोड़ लेंगे,
आलू का कलर चेंज हो गया है, सुनहला कलर हो गया है, ये देखिए। आलू को थोड़ा और भून लेते हैं चारों तरफ, इस तरीके अलट पलट कर बढ़िया से सुनहला कलर फ्राई कर लेते हैं। जितना बढ़िया भुना रहेगा उतना टेस्टी सब्जी बनेगी। आलू भी बढ़िया से भुन गया है, ये देखिए सुनहरा कलर हो गया है, इसे भी थाली में निकाल लेते हैं। कढ़ाई में एक छोटा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल बढ़िया से गर्म हो चुका है, चुटकी भर हींग डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे। अब पीसे हुए मसाले डाल देते हैं। मसालों को अच्छी तरीके भून लेते हैं। मसालों को इतना भूनेंगे कि इसमें से जब तक खुशबू ना आने लगे। मसाला अच्छी तरीके भुन गया है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, इसलिए कि हमने खड़े मसालों का प्रयोग किया है और मसाले में से तेल भी छोड़ने लगा है। अब इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं, थोड़ा नमक डाल देते हैं, इसलिए कि टमाटर जल्दी गल जाएगा नमक से। नमक हम कम ही डालेंगे इसलिए कि खेक्सा में डाले हैं भूनते समय। अब टमाटर को अच्छी तरीके पका लेते हैं। 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं। 2 मिनट हो चुका है, ढक्कन हटाएंगे। टमाटर अच्छी तरीके गल गया है, ये देखिए। कलछुल की सहायता से मैश कर देते हैं, ये देखिए इस तरीके हम मैश कर देंगे। अब इसमें हम खेक्सा और आलू डाल देते हैं। ये हमने फ्राई किया हुआ खेक्सा और आलू डाल दिए, अच्छे से मिला देते हैं। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए, कोई गलतियां हो माफ करिए। अच्छी तरीके हमने मिला दिया है, अब इसमें पानी डाल देते हैं। पानी आप अपने हिसाब से डालिए, जैसे रसेदार सब्जी पसंद करते हैं तो पानी ज़्यादा डालिए और गाढ़ी पसंद करते हैं तो कम डालिए। कलछुल से अच्छे से मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया है। अब 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकने देते हैं। 5 मिनट हो चुका है, ढक्कन हटाएंगे। खेक्सा की रसेदार सब्जी बनके तैयार हो गई है, ये देखिए। सब्जी में से ऊपर ऑयल दिख रहा है, फ्लेम बंद कर देते हैं। आइए अब सर्व करते हैं। अब इसे हम चावल और रोटी के साथ सर्व करेंगे। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए, कोई गलतियां हो माफ करिए। अगर हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुँचे। हमारी रेसिपी शुरू से आखिरी तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरीके की आप लोगों को वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।